गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, आप सभी को बिस्टा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे स्पेशल बायो सीरीज में स्वागत है। आज आपके लिए बिस्टा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे बायो सीरीज लेकर आए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अभी तक इस चैनल पे आपको स्पेशल पॉलिटी सीरीज, स्पेशल ज्योग्राफी सीरीज मिलेगा, आप सभी उसे देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में सारा वीडियो मिलेंगे, आप सभी उसे देखकर अपने तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। इसलिए आप सभी पीछे के जितने वीडियो हैं वो सारे प्लेलिस्ट में जाकर देखें। आज से आपके लिए बायोलॉजी सीरीज लेकर आ रहे हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट सीरीज है। जो लोग सब्जेक्टिव क्लास फॉलो किए होंगे उनके लिए ये सीरीज काफ़ी आसान लगेगा और ऑब्जेक्टिव के माध्यम से उनका सारा रिकॉल हो जाएंगे, इसलिए आप सभी ज़रूर फॉलो करें। जो लोग भी एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, दरोगा, पुलिस एवं अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए ये सीरीज काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। आप सभी समय से डेली क्लास को फॉलो करें, आपका तैयारी काफ़ी बेहतर होगा। आपके लिए हम पूरे जीएस का सीरीज लाकर रख रहे हैं आपको इस चैनल पे, तो आप सभी ज़रूर क्लास को सही से फॉलो करें और समय से फॉलो करें। आपके लिए डेली सुबह के 6 बजे स्पेशल करेंट अफेयर सीरीज इस चैनल पर लेकर आते हैं ताकि आपका पूरा करेंट बेहतर हो सके। डेली शाम के 7 बजे स्पेशल सब्जेक्ट वाइज सीरीज लेकर आते हैं जिसमें अभी तक पॉलिटी और ज्योग्राफी समाप्त हो चुका है, और आज से आपके लिए स्पेशल बायोलॉजी सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें आज हम लोग सीरीज 1 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। आप सभी लोग तैयार हो जाएं आज के क्वेश्चन के लिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। सभी लोग आंसर करने के लिए रेडी रहेंगे और कोशिश करना है कि डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चन सीखें और इस तरह से आप काफ़ी बेहतर करेंगे। बस विश्वास के साथ आप टिके रहें, अगर टिके रहेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, आप ध्यान रखेंगे। तो सभी लोग रेडी हो जाएं, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आज लेकर आ रहे हैं। आप सभी लोग तैयार हो जाएं आज के क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। तो सभी लोग रेडी हैं, आप सभी रेडी हैं तो क्वेश्चन लाया जाए आपके लिए। तो सभी लोग आंसर करेंगे लाइव चैट में, और कोशिश करना है कि आप अंत तक बने रहें। आज क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा नहीं, कम ही है, लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी अंत तक बने रहें, ध्यान से क्लास को फॉलो करें, तभी कुछ बेहतर किया जा सकता है। तो आइए, आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, जीव विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। कितना आसान क्वेश्चन है आपके लिए, उम्मीद करते हैं कि सभी लोग का आंसर सही आना चाहिए। जीव विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आप लोग आंसर करें। ऑप्शन नंबर 1 है बायोलॉजी, 2 फिजिक्स, 3 केमिस्ट्री और 4 इनमें से कोई नहीं, सभी लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे, जीव विज्ञान को अंग्रेजी में बायोलॉजी कहा जाता है। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, क्योंकि जो है वो बायो का पहला क्वेश्चन था, बायो सीरीज का पहला क्वेश्चन था, तो कहा जाता है कि बोहनी सही होना चाहिए, तो आप लोग का बोहनी सही करवाने की कोशिश हम किए ताकि आपका पहला क्वेश्चन सही होगा तो अंत तक जो है वो सही रहेगा, इसलिए स्टार्टिंग सही से होना चाहिए। तो आप लोग का उम्मीद करते हैं कि बोहनी तो सही हो गया होगा, अब जो है लास्टिंग भी सही रहेगा आपका बायो का। तो ऐसे ही करना है, जीव विज्ञान को अंग्रेजी में बायोलॉजी कहना है। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए क्लास कीजिए। देखिए, अपने ऊपर एक प्रेशर नहीं लेना है, अगर आप प्रेशर लेकर पढ़ाई करते हैं तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। हमेशा इंजॉय के साथ पढ़ाई करना होगा, आप जो है वो इंजॉय के साथ पढ़े, कोई भी काम अगर इंजॉय के साथ करते हैं तो वो आपका काम पूरा हो जाएगा। इसलिए आप पढ़ाई जो करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि आप सफल हो सके, लाइफ में कुछ अच्छा कर सके, आप नौकरी पा सके, तो इसके लिए आपको सबसे पहले खुश होना पड़ेगा। खुश होएंगे तभी कुछ हासिल कर सकते हैं, अपने फेस पे मुस्कुराहट रखना होगा,
तभी जो है वो कुछ किया जा सकता है। कहा जाता है कि जिंदगी एक हसीन ख्वाब है, जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए, गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। तो अगर मुस्कुराने की आदत है तो वो जो है वो गम खुशी में बदल जाएंगे, और देखिए कि आप कैसे जो है वो सफल हो जाते हैं। तो इस तरह से आप हंसते हुए मुस्कुराते हुए क्लास को फॉलो करें, देखिएगा काफ़ी बेहतर करेंगे। आपसे मुझे पूरा विश्वास है कि आप बेहतर करेंगे। तो जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए, गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। इसी के साथ आइए, दो नंबर क्वेश्चन है आपके लिए। बायोलॉजी शब्द है, बायोलॉजी शब्द है कैसा शब्द है, आप लोग आंसर करें। एक नंबर ऑप्शन है यूनानी, एक नंबर ऑप्शन है यूनानी, बी नंबर ऑप्शन है ग्रीक, सी है ए प्लस बी, और डी इनमें से कोई नहीं। आंसर करें आप सभी लोग। बायोलॉजी शब्द है, किस भाषा की शब्द है, आप लोग आंसर करें। जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे कि बायोलॉजी जो है वो शब्द यूनानी या ग्रीक शब्द है, ध्यान रखना है। बायोलॉजी यूनानी या ग्रीक शब्द है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होगा। यानी कि बायोलॉजी शब्द एक यूनानी या ग्रीक शब्द है, आप ध्यान रखेंगे। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में एराई होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बायोलॉजी शब्द से मिलकर बना है, यानी कि बायोलॉजी शब्द जो है वो किससे मिलकर बना है, आप लोग आंसर करें। एक नंबर ऑप्शन है बायो, सेकेंड है लोगस, थर्ड ए प्लस बी, और डी इनमें से कोई नहीं। तो बायोलॉजी शब्द किससे मिलकर बना है, आप लोग आंसर करें। देखिए, आपको बायोलॉजी को अगर तोड़ा जाए तो ये दो शब्द में टूटेगा, बायो और लॉजी। तो बायो का अर्थ होता है, ध्यान रखेंगे, जीवन, और लोगस का अर्थ, लॉजी से लोगस बना, जिसका अर्थ अध्ययन होता है। यानी कि बायोलॉजी जो है दो शब्द से मिला है, मिलकर बना है, किससे, तो बायो और लोगस से। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ध्यान रखेंगे। बायोलॉजी शब्द बना है बायो और लोगस से मिलकर। तो ध्यान रखना है कि बायोलॉजी एक ऐसा शब्द है तो यूनानी और ग्रीक शब्द है। सेकेंड क्वेश्चन है कि बायोलॉजी शब्द किससे मिलकर बना है, तो यह मिलकर बना है आपका बायो और लोगस से मिलकर बना है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बायोलॉजी का अर्थ होता है, बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है, अभी हम आप सभी को बताएं। बायोलॉजी जो है टूटा बायो और लॉजी में, तो इसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 है जीवों का अध्ययन, सेकेंड है गोल पृथ्वी, थर्ड है ए प्लस बी, और बी है इनमें से कोई नहीं। तो बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है, आप लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है। तो अभी हम बताएं कि बायो का अर्थ होता है जीवन, और लॉजी या लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। यानी कि बायोलॉजी में क्या होगा, जीवों का अध्ययन करना होता है। यानी कि इसका आंसर एक नंबर हो जाएगा, बायोलॉजी में जीवों का अध्ययन किया जाता है, ध्यान रखना है आपको। तो इसका आंसर एक नंबर हो जाएगा। कैसा लग रहा है क्वेश्चन, आप सभी को काफ़ी आसान लग रहा होगा। बिल्कुल, अगर आप जो है वो डेली जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको ध्यान से फॉलो करेंगे तो आपका जो है वो काफ़ी अच्छा से बायो क्लियर हो जाएंगे, काफ़ी आसान लगने लगेगा। जो लोग सब्जेक्टिव पढ़ लिए हैं उनके लिए तो काफ़ी आसान है, और जो लोग सब्जेक्टिव नहीं पढ़े हैं आगे पढ़ेंगे उनके लिए भी काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि उन्हें कुछ अच्छा से समझ में आएंगे। इसलिए आप सभी ज़रूर ध्यान से क्लास को फॉलो करें समय से। हाँ, कोशिश यही करना है आपको कि लाइव चैट में आंसर करें, गलती भी होगा तो डरना नहीं, क्योंकि जो लोग गलती नहीं करता है वो लोग फिर आगे सीख नहीं पाता है। कोशिश करना है कि गलती से सीखे। जैसे आप एग्जाम में बैठते हैं तो ऐसा तो नहीं होता है कि आप पहले ही एग्जाम में पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप एग्जाम में बैठते हैं, जो क्वेश्चन छूटता है उस पर आप विश्लेषण करते हैं, मंथन करते हैं कि आगे जो है इस तरह के क्वेश्चन हमसे गलती ना हो, तभी जाकर आप आगे एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं। जो लोग गलतियों से सीखते नहीं हैं वो आगे सफल नहीं हो पाते हैं, लेकिन जो लोग गलती से सीखते हैं वो आगे बिल्कुल सफल हो जाते हैं। इसलिए आप अगर यहाँ गलती कर रहे हैं तो गलतियाँ से डरना नहीं है,
आप बस कोशिश यही करें कि हम सीख रहे हैं। हाँ, अब आगे इस टाइप के क्वेश्चन अगर हमें मिले तो वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इस उद्देश्य के साथ आपको क्लास फॉलो करना है, तो इस तरह से आप करिए, देखिएगा काफ़ी बेहतर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी ज़रूर जो है वो इस तरह से क्वेश्चन को फॉलो करेंगे। और मेरा मानना है कि जैसे करेंट में हम लोग देखते हैं मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे संडे को एक बार रिकॉल करते हैं, उसी तरह से मेरा विचार है कि क्यों नहीं जो है वो मंडे टू फ्राइडे जो बायो का क्लास चलेगा, सैटरडे के दिन जो है वो पूरे मंडे टू फ्राइडे को एक बार रिकॉल कर लिया जाए। एक क्लास में टोटल क्वेश्चन को ला कर रख दें और आप रिकॉल कर लें। अगर ऐसा होगा, नहीं तो फिर जो है वो 10 क्लास पर एक टेस्ट लगातार चलते रहेगा। दोनों में से कोई एक काम सोचे हैं आपके लिए करने के लिए, ताकि आपके लिए बायो काफ़ी आसान हो जाए। या तो वीकली या नहीं तो 10 वीडियो चले जाएंगे, उसके बाद एक टेस्ट ले लेंगे, वो भी अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आप सभी जो है वो डेली फॉलो करेंगे, तभी चाहे वीकली हो या फिर 10 वीडियो पर जो टेस्ट हो वो आपके लिए आसान होगा। तो लेकिन कोशिश आपको ये करना है कि डेली क्लास में आप जो है जुड़े, लाइव चैट में जुड़े, तभी आपको प्रॉफिट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के पिता कौन है? आप लोग आंसर करें। जीव विज्ञान के पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? आप लोग आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है अरस्तु, 2nd है थियोफ्रेस्टस, 3rd हिप्पोक्रेटस, और ये इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे कि फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। 1 नंबर इसका आंसर होगा, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। ध्यान रखना है, जीव विज्ञान के संबंध में सबसे पहला अध्ययन जो प्रस्तुत किए थे वो अरस्तु ही किए थे, इसलिए इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? ध्यान रखेंगे, बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया है, एक बोटनी और जूलॉजी। बोटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान, और जूलॉजी जंतु विज्ञान। तो फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है, आप लोग आंसर करें। फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है, आप लोग आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है अरस्तु, 2 है थियोफ्रेस्टस, 3rd है हिप्पोक्रेटस, और 4th है इनमें से कोई नहीं। सभी लोग आंसर करें, आप सभी लोग आंसर करें फादर ऑफ जूलॉजी। तो ध्यान रखेंगे कि फादर ऑफ जूलॉजी जो है वो अरस्तु को ही कहा जाता है, ध्यान रखना है, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को ही कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था हिस्टोरिया एनामिलियम, तो इन्हीं को कहा जाता है, जिसमें जो है वो जीव जंतुओं के अध्ययन के बारे में प्रस्तुत किया था हिस्टोरिया एनामिलियम में, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ बॉटनी है, यानी कि वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बॉटनी, आप लोग आंसर करेंगे। फादर ऑफ बॉटनी कौन है, आप लोग आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है अरस्तु, 2nd है थियोफ्रेस्टस, 3 है हिप्पोक्रेटस। कितना अच्छा अच्छा नाम है, इंडियन नाम से कहीं अच्छा नाम है, क्योंकि नाम में कुछ ना कुछ वजन लग रहा है। इंडिया का नाम में तो कोई वजन ही नहीं लगता है, गोलू मोनू सोनू कुछ भी रख देता है लोग, जो कि आसान हो, लेकिन वो लोग ऐसा नाम रखता है कि जो है वो आसानी से कोई नाम ना ले सके, किसी का नाम लेना इतना आसान ना हो सके। तो इस तरह से जो है आप लोग भी अपना नाम इसी तरह से रखें, ताकि नाम में एक वजन हो, लोग बोलने से पहले सोचे उसका नाम कुछ ऐसा है कि बोलने में प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो फादर ऑफ बॉटनी, ध्यान रखेंगे, फादर ऑफ बॉटनी जो है वो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, 2 नंबर आंसर होगा। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। महान यूनानी दार्शनिक थे ये आपका थियोफ्रेस्टस, ध्यान रखेंगे, अरस्तु के शिष्य थे थियोफ्रेस्टस, और इन्हें जो है फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम जो है वो वनस्पति विज्ञान के संबंध में एक पुस्तक की रचना किया था, जिसका नाम हिस्टोरिया प्लांटरम था। हिस्टोरिया प्लांटरम की रचना थियोफ्रेस्टस ने किया था, और इन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, फादर ऑफ मेडिकल साइंस, फादर ऑफ मेडिकल साइंस कौन है? आप लोग आंसर करें, फादर ऑफ मेडिकल साइंस कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है अरस्तु,
सेकेंड है थियोफ्रेस्टस, सी है हिप्पोक्रेटस और डी इनमें से कोई नहीं। सभी लोग आंसर करें। फादर ऑफ मेडिकल साइंस, चिकित्सा विज्ञान के पिता, यानी कि चिकित्सा शास्त्र के पिता कौन है, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है, आप लोग आंसर करें। फादर ऑफ मेडिकल साइंस, आंसर करें सभी लोग। तो ध्यान रहे, फादर ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है, ध्यान रखना है। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा विज्ञान का जनक यानी कि चिकित्सा शास्त्र का पिता या जनक कहा जाता है, फादर ऑफ मेडिकल साइंस कहा जाता है, ध्यान रखना है। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, आंसर करें सभी लोग। जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था। ऑप्शन नंबर 1 है लैमार्क, सेकेंड है ट्रेवेरेनस, सी है ए प्लस बी और डी इनमें से कोई नहीं। तो जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, आंसर करें आप सभी लोग। जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे कि जीव विज्ञान शब्द जो है वो सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेवेरेनस ने दिया था, यानी कि इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, ए प्लस बी। लैमार्क और ट्रेवेरेनस ने जीव विज्ञान शब्द दिया था। लैमार्क जो थे वो फ्रांस के विद्वान थे, जबकि ट्रेवेरेनस जो थे वो जर्मनी के विद्वान थे। तो ध्यान रखेंगे, ये फ्रांस के थे और ये जर्मनी के थे। तो ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है यही दोनों ने किया था, लैमार्क और ट्रेवेरेनस। कभी कभी ऑप्शन में जो है सिर्फ लैमार्क ही देता है, तो आप इसे घबराएंगे नहीं, लैमार्क इसका आंसर हो जाएगा उस अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि जंतु विज्ञान अध्ययन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग आंसर करें। जंतु विज्ञान अध्ययन करता है, सभी लोग आंसर करें। एक नंबर ऑप्शन है केवल जानवरों का, केवल जानवरों का। सेकेंड है केवल जीवित वनस्पतियों का। थर्ड है जीवित और मृत जानवरों दोनों का। और फोर्थ है जीवित और मृत वनस्पति दोनों का। तो जंतु विज्ञान अध्ययन करता है किसका, आप लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। जैसे अभी हम लोग देखें कि जीव विज्ञान को दो भाग में बांटा गया, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान यानी कि जंतु विज्ञान जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान बॉटनी। तो जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, आप लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। तो ध्यान रहे, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, जीवित और मृत जानवरों दोनों का। जंतु विज्ञान में जीवित और मृत जानवर दोनों का अध्ययन किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। जीवित और मृत जानवरों दोनों का अध्ययन जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वनस्पति विज्ञान अध्ययन करता है, वनस्पति विज्ञान अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर 1 है केवल जानवरों का, बी है विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों एवं उनके क्रियाकलापों का, थर्ड है जीवित और मृत जानवर दोनों का और डी है जीवित और मृत वनस्पति दोनों का। तो वनस्पति विज्ञान अध्ययन करता है, आप लोग आंसर करें। वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन होता है, आप लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो ध्यान रहे, वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों एवं उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, आप ध्यान रखेंगे। वनस्पति विज्ञान में विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों एवं उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, ध्यान रखेंगे। यानी कि बॉटनी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों एवं उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार आज आपके लिए कुल 11 क्वेश्चन ही लाए थे, ठीक है। आज ये 11 क्वेश्चन लाए थे आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आज फर्स्ट दिन था, क्वेश्चन कुछ कम था, लेकिन आप सभी प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी समय से क्लास फॉलो करें
और कोशिश करें कि जब स्टार्टिंग में आप जुड़ रहे हैं तो लास्ट तक बने रहें और प्रत्येक लोग लाइव चैट में आंसर करें। आंसर करने से डरना नहीं है, जो डर गए वो मर गए, समझिए आप एग्जाम में फेल कर जाएंगे अगर यहाँ डरते हैं तो। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, जो अगर डरें तो फिर आप सिकंदर नहीं बन पाएंगे, आपको विजेता बनना है, विजेता बनना है सिकंदर बनना है। सिकंदर जो है पूरा विश्व विजय का ख्वाब रखा था, लेकिन खैर मगध के वजह से उसका जो है वो विश्व विजय का ख्वाब टूटा था। तो समझिए कि आप धनानंद ही बन जाइए ताकि जो है किसी के घमंड को तोड़ दें, लेकिन उसके लिए आपको स्ट्रांग बनना होगा, आपको मजबूत बनना होगा, तभी कुछ कर सकते हैं। तो आप मेहनत करें, मेहनत से भागे नहीं, आप जो है समय निकालें, क्योंकि अगर आज आप समय के महत्व को नहीं समझते तो आगे समय आपको नहीं समझेगा। इसलिए आप सभी जरूर समय के महत्व को समझते हुए मेहनत करें, देखिएगा सफल जरूर होंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो इस तरह से आज का क्लास समाप्त हुआ, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर से बायोलॉजी के साथ और करंट के साथ। आप सभी समय दें, और जो लोग नए हैं क्लास को सब्सक्राइब करते रहें और लाइक शेयर जितना हो सके आप लोग करें, जितना हो सके शेयर करें, अपने दोस्तों को शामिल करें, संख्या बढ़ाएं, जितना ज़्यादा लोग रहेंगे उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा, इसलिए संख्या बढ़ना चाहिए। तो आप सभी लोग देखें और शेयर करें, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस बीच आप लोग पीछे के क्लास जितने हैं वो रिकॉल करते रहें जब भी फुर्सत में बैठे तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट, सभी लोगों को गुड नाइट।